अस्सलाम वालेकुम एसएलए स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज आपका इंग्लिश का 44 लेक्चर है। मधु, जैसा कि आपको पता है कि हमारी फर्स्ट सेमेस्टर की रीडिंग ए टू एम कंप्लीट हो चुकी है, हम अगेन उसकी रिवीजन भी कर चुके हैं। तो अब हम बच्चे को इनकी रिकॉग्नाइजेशन करना सिखाएंगे, ताकि बच्चे को रीडिंग के साथ साथ इन लेटर्स की पहचान भी हो, क्योंकि अक्सर बच्चे जो है वो रीडिंग कर लेते हैं, लेकिन जब उनसे सेपरेट ये लेटर पूछा जाता है तो उनको इसकी पहचान नहीं होती है। तो हमारी कोशिश है कि हम के बच्चे को सेपरेट भी इनकी इन लेटर्स की पहचान भी हो। तो चलें अब हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। हम इसकी एक दफ़ा जो है फुल जो है वो रीडिंग कर चुके हैं, अब हम अगेन इसको की जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा बच्चों, अब ये बताएं, विच इज दिस लेटर? ई। विच इज दिस लेटर? ई। ई फॉर एलिफेंट। E for elephant. Which is this letter? F. Which is this letter? F. F for fish. F for fish. अच्छा, अब ये बताएं, which is this letter? H. Which is this letter? H. H for hen. H for हैं। अच्छा जी, अब ये बताएं ये क्या है? इसका इसे सर्कल बना होता है, ये है जी। विच इज दिस लेटर? जी। जी फॉर ग्रेप्स। जी फॉर ग्रेप्स। अब अगेन बताएं, विच इज दिस लेटर? एफ। इसके ये बीच में एक लाइन होती है, एफ। Which is this letter? E. Which is this letter? E. Which is this letter? G. Which is this letter? G. Which is this letter? H. Which is this letter? H. समझ में आ गई बच्चों? मतलब आपने इस तरह से आगे पीछे करके लिख के जिस तरीके से भी आप लेटर्स को जो है बच्चों से पूछें, ताकि उनकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा हो। टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।